वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, दिस इज पार्ट टू ऑफ सॉलिड स्टेट। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो एक बार प्लीज देखकर आओ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। मतलब जो यूनिट सेल मैंने आपको सिखाई है, जैसे हमने यूनिट सेल पहले देखी थी, उसके बाद उससे हमने क्रिस्टल लैटिस बनाई थी, जैसे क्यूब वाली बनाई थी। तो अभी हमें क्या सीखना, जो यूनिट सेल होती है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का, जो रिपीट करता है अपने आप को हर डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो उससे क्लासिफिकेशन हमें करनी है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। जो फर्स्ट वाली है वो होती है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या फिर पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और पोजिशन ऑफ लेटिस पॉइंट्स। मतलब लेटिस पॉइंट्स जिस भी पोजिशन पर हैं या जिस भी लोकेशन पर हैं, उनके हिसाब से डिसाइड होगी उनकी क्लासिफिकेशन। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्या होता है, इसमें हमारे पास दो हैं, दो टाइप के होते हैं इसमें। एक तो सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, और सेकंड होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसमें जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर। मैं लेटिस पॉइंट्स को ना एलपी से रिनोट करूंगी, एलपी। तो एलपी इज योर लेटिस पॉइंट्स। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, लेटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स ओनली, सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे हमारे लेटिस पॉइंट्स, तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसी सेल का एक और नाम होता है, वो क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एससीसी भी बोल देते हैं इसको, एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इस तरह से करते हैं, तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसी का नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर सिंपल क्यूबिक, एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये आपकी कुछ इस तरह से होगी, ये आपके होंगे एक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल बना दी मैंने यहाँ पर। इसमें लेटिस पॉइंट्स की पोजीशन कहां पर है, सिर्फ कॉर्नर्स पर। तो जो लेटिस पॉइंट्स होंगे वो कहां पर होंगे, इन वाली पोजीशन पर, ऐसे। तो अगर आपको कोई इस तरह की यूनिट सेल दिख रही है और आपसे पूछा जाता है किस तरह की यूनिट सेल है ये, तो क्या होगी, वो प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, पोलोनियम जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है। मतलब जो पोलोनियम की जो लैटिस होती है उसमें क्या होता है, पोलोनियम सारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट, मतलब जो क्लासिफिकेशन देखी है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, उसके उसमें सबसे पहले होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी जो सेकेंड होती है इसमें, तो हम ये भी मान लेते हैं, सेकेंड होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी स्पेसिफिक पोजीशन पर हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, कॉर्नर्स प्लस, मतलब जो लैटिस पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉर्नर्स प्लस सम स्पेसिफिक पोजीशन, कॉर्नर्स के साथ साथ किसी और स्पेसिफिक पोजीशन पर हमारे पार्टिकल्स या हमारे लैटिस पॉइंट्स या हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें पढ़ने काफी सारे टाइप्स जो हम पूरे सॉलिड स्टेट में आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है आपका बीसीसी। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें क्या होता है, बीसीसी का मतलब है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कहां पर होंगे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, कॉर्नर्स पे तो दोनों केसेस में होते हैं, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर भी प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हो कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब जो हमारा क्यूब है उसके एग्जैक्टली सेंटर में। तो सर किस तरह से बनेगा हमारी सेल, इस तरह से, ये हमारी हो गई क्यूबिक सेल, हमने क्यूब बना दिया, क्यूबिक यूनिट सेल हो गई। अभी क्या करना है, एटम्स कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पर भी और साथ में बॉडी सेंटर पर भी। तो कॉर्नर्स पे तो आप इसको इस तरह से दिखा दो, यहां पे कॉर्नर्स पर हो गए,
और इसके साथ साथ क्या है, एक इसके क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो यहां पर हमारा हो गया एग्जैक्टली सेंटर में ही हो गया ये हमारा दूसरा पार्टिकल। तो क्या होगा, इस तरह के हम बोलते हैं उसको बीसीसी। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये सारे पार्टिकल्स अगर सेम है, सेंटर वाला भी अगर सेम है तो ही वो बॉडी सेंटर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इफ यू वॉन्ट, अदरवाइज इट्स ओके, कोई पूछेगा नहीं। इसका एग्जाम्पल होता है पोटेशियम। जो पोटेशियम की लैटिस होती है उसमें इसी तरह से होता है, जो क्यूबिन हमारी यूनिट सेल है उसमें पोटेशियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है और सेंटर में भी पोटेशियम प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका बीसीसी। नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट इज एफसीसी। एफसीसी का मतलब क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कहां पर होंगे आपके पार्टिकल्स, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स प्लस फेसेस ऑफ द क्यूब या फेसेस ऑफ द यूनिट सेल, नॉट क्यूब, ऑफ द यूनिट सेल, ऑफ द यूनिट सेल। इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले इसको यहां पे ड्रॉ करो ऐसे। ये हो गया हमारा क्यूब, कॉर्नर्स पे तो है, कॉर्नर्स में तो सबके होते हैं, तो फटाफट से कॉर्नर्स में ड्रॉ कर लो। अब कॉर्नर्स के साथ साथ और कहां पर है, फेसेस पर। तो जितने भी हमारे क्यूब के फेसेस यहां पर है सब पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था क्यूब के कितने होते हैं फेसेस, सिक्स। तो सिक्स जो फेसेस है सब पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो जैसे ये वाला फेस हो गया, इस पे एक पार्टिकल, फ्रंट वाले पे एक, इधर लेफ्ट वाले पे एक, बैक साइड वाले पे एक, ऊपर वाला जो है टॉप साइड पे यहाँ पे एक, जो नीचे वाला है यहाँ पर भी एक। ठीक है, टोटल कितने फेसेस है, सिक्स। और ये सिक्स हमारे एटम्स हो गए और साथ में हमारे पास ही कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ईएनडी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कहां पर होते हैं, इसमें कॉर्नर्स पे होते हैं। इसको ध्यान से लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी का तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, बट इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है। इसमें कहां पर होते हैं, कॉर्नर्स प्लस एनी टू ऑपोजिट एंड्स, एनी टू ऑपोजिट एंड्स। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ, और उसको इधर अच्छे से लिखना, अच्छे से मतलब याद रखना माइंड में, अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो भी उसको आपको माइंड में रखना है। देखो जैसे अगर मैंने यूनिट सेल इस तरह से यहां पर ड्रॉ कर दी है सपोज ऐसे, तो कॉर्नर्स पे तो आप ड्रॉ कर ही लेंगे सबके, कॉर्नर्स पे तो है ही। उसके बाद किसी भी दो ऑपोजिट एंड्स पर, जैसे कि ऑपोजिट नॉट एंड्स, ऑपोजिट फेसेस, किसी भी दो ऑपोजिट फेस पर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं टॉप मोस्ट वाला जो फेस है ये और जो बॉटम वाला, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है ना ये, तो या तो इन दोनों पे हो सकते हैं, इस तरह से ये केस हो सकता है। या फिर नेक्स्ट कौन सा पॉसिबिलिटी है, बाकी के कोई दो ऑपोजिट फेस लेकिन सब पे प्रेजेंट नहीं होंगे। अभी भी अगर सारे फेसेस में प्रेजेंट हो गए फिर तो एफसीसी में, और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। इसलिए ये एनी टू ऑपोजिट फेसेस, जैसे पहले हमने टॉप और बॉटम वाला लिया था, अब हम लेफ्ट और राइट वाला ले सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट क्या है, आपस में ऑपोजिट है। एक और केस कौन सा हो सकता है जिसमें हमारा टॉप बॉटम हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, फ्रंट बैक बचा हुआ है, तो हम फ्रंट बैक वाले पे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, पहले एंड्स पे ड्रॉ करेंगे, कॉर्नर्स पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, कॉर्नर्स पे ड्रॉ हो गया, उसके बाद टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक, ये फ्रंट वाला और यहां पे बैक वाला। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद एक और टाइप होता है, उसके लिए मुझे स्पेस नहीं मिला, मैं यहां पर लिखती हूं। नेक्स्ट होता है हमारा ये थ्री यहां पर हो गए, जो फोर्थ वाला है वो क्या है, वो होता है हमारा कौन सा लगेगा, एज वाला, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पर क्या होते हैं, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ द एज, एज के सेंटर पे, सेंटर ऑफ द एजेस, सारे एजेस के सेंटर्स पर। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, हम एक क्यूब बनाएंगे, इसके एंड यहां पे कॉर्नर्स पे तो है ही प्रेजेंट, तो यहां पर लगाएंगे कॉर्नर्स पे। उसके बाद जितनी भी एजेस हैं कितनी होती है, 12, तो 12 एजेस के एग्जैक्टली सेंटर में, जैसे ये वाला जो एज है इसका सेंटर कहां पर है, ये
जो बैक साइड वाली है इसका कहां पर है ये, तो सब सारे एजेस के सेंटर में एक ए बना दो, तो ये होता है आपका एज सेंटर्ड यूनिट सेल, सारी एजेस के सेंटर में एक एक, ठीक है। तो यहां से हमारा हो गया ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या थी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या फिर पोजिशन, उसमें हमारे पास होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आती है, प्रिमिटिव को हम एसएससीवी बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होते हैं नॉन प्रिमिटिव, कॉर्नर्स के साथ साथ किसी स्पेसिफिक पोजिशन में भी प्रेजेंट होंगे, वो फोर टाइप्स के होते हैं बीसीसी, एक्सीसी, एंड सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। अब हम ये मेंशन कर सकते हो जो ये वाला टाइप है ना हाइपोथेटिकल, ये वाला क्या होता है हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब ये वाली एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बस ऐसा है कि कोई ये वाला केस भी पॉसिबल हो सकता है जिसमें एजेस पे पार्टिकल्स हो, बट एक्चुअल में क्या है हाइपोथेटिकल, मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, अब आपको मुझे बताना है इन सब की जितने मैंने यूनिट्स है जो पार्टिकल्स आपको दिखाए हैं, आपको इसमें मुझे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम डिनोट कर लेते हैं टी, एक मिनट, पार्टिकल्स नहीं लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं वहां पे एटम्स हो या फिर आयन्स हो, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, क्योंकि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर एटम्स कुछ भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, इसको हम डिनोट कर देते हैं टी एल पी से। टी एल पी का क्या मतलब है टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो अगर हम बात करते हैं एज सेंटर की, इसमें टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं आपको पता है, कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, और कॉर्नर्स कितने होते हैं एट, तो एट तो है ही हमारे पास, और साथ में कितने हैं एजेस में भी प्रेजेंट, तो कितनी होती है एजेस 12, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर एक छोड़ दिया था मैंने, ये तो कितने हो गए टोटल 12, तो यहां पर टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए 12 + 8 = 20 इन केस ऑफ एज सेंटर। ऐसे हम क्या करते हैं एंड सेंटर में काउंट करते हैं, इसमें क्या होंगे टोटल लैटिस पॉइंट्स, कॉर्नर्स में है तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और किसी भी दो ऑपोजिट एंड्स पर, तो 1 2 साथ में 2 तो कितने हो गए 10, इसमें भी कितने होंगे टोटल 10, और यहां पर भी टोटल 10, ठीक है। अगर हमसे पूछते हैं एक्सीसी में कितने होंगे, तो एक्सीसी आपको पता है कॉर्नर्स तो 8 है, और साथ में फेसेस कितने होते हैं 6, तो काउंट करने की नीड भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 चाहो तो कर लो, 8 + 6 कितने हो जाएंगे 14, तो टोटल लैटिस पॉइंट्स इन केस ऑफ एफसीसी आर 14, और बीसीसी में कितने हैं 8 + 1 है ना, 8 कॉर्नर्स है साथ में एक बॉडी सेंटर, तो 8 + 1 9, तो ऐसे करके हमने निकाल लिए इसमें क्या हमारे टोटल लैटिस पॉइंट्स। और यहां पर अगर बात करते हैं एससीसी की, तो एससीसी के टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने हैं 8, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से हो गया। अभी हमें ना एक चीज और सीखनी है, इसको याद रखना जैसे भी है, मुझे इसी को आगे यूज करना है, तो भी स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने निकाले थे अभी तक टोटल लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, टोटल लैटिस पॉइंट्स निकाले थे, अभी क्या निकालने हैं हमें, जो हमें यूज करना है वो क्या होता है टोटल लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, मतलब हमें क्या करना है एक यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट्स हैं हमें वो काउंट करने हैं। तो यहां पर जो वैसे निकालते हैं ये किसके इक्वल होता है टोटल लैटिस पॉइंट्स जो ये वाले हैं इनटू कंट्रीब्यूशन। अगर आपको पर यूनिट से निकालना है तो ना उनका कंट्रीब्यूशन होगा, आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि जो बॉडी सेंटर पे जो भी एटम है कोई पार्टिकल या कोई लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1, जो फेस पे प्रेजेंट होता है क्योंकि वो दो फेसेस में शेयर होता है इसलिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2। ऐसे ही जो एच पे होते हैं वो कितने पे होते हैं 1 2 3 4, वो 4 से शेयर होता है तो 1/4, इस तरह से आपको करना होता है। तो अभी अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एससीसी की, तो एससीसी में क्या होता है जो यहाँ पर रोक है सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने हैं सिर्फ कॉर्नर्स में, इसे टोटल है हमारे 8, और कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था अच्छे से कि जो कॉर्नर पे होगा वो 8 यूनिट सेल को टच करता है इसलिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो यहां पर हमारे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे इन केस ऑफ एसएससी, एसएससी टीएलपी टोटल लैटिस पॉइंट्स 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 कितना हो गया 1, मतलब एसएससी के केस में टोटल लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल = 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें करना है कि बीसीसी के केस में कितने होते हैं,
और बीसीसी में आपको पता है ये वाला कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। टोटल 80 पॉइंट्स कितने हैं, पहले कॉर्नर वाले देखेंगे। देखो ऐसे मत कर देना कि 9 को यूज कर लो, ऐसे वाले केसेस में हम क्या करते हैं, पहले कॉर्नर पे देखो, कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट है, 8। तो हमने लिखा यहाँ पर 8, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर वाले का, 1/8, तो यहाँ पे हो गया 1/8। अभी इसके साथ साथ हमारा बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे बीच में लगाओगे प्लस का साइन, बॉडी सेंटर पे कितने प्रेजेंट है, सिर्फ 1। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, बॉडी सेंटर वाले कितना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, 1। तो यहाँ पर हमने किया ये, तो ये हमारा किसके इक्वल आया, कट कर दो, यहाँ से आ गया 1 + 1 = 2। तो टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल इन केस ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमें देखना है किसका, एफसीसी का। इसको खुद से करके देखो, बाद में देखना वीडियो में। एफसीसी में क्या है, कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स में कितने होते हैं, 8 × 1/8। और साथ में क्या है, फेसेस पर, क्यूब में कितने फेस होते हैं, फेस पे कितने आइटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि 6 फेसेस हैं, सभी फेस पे एक एक आइटम प्रेजेंट है, तो टोटल हो गए 6। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 6। और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है फेस वालों का, 1/2। क्योंकि जो एक यहाँ फेस पे प्रेजेंट है वो दो यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, इसलिए 1/2। इसको सॉल्व करो, कैंसिल हो गया 3, 1 + 3 = 4। ओके, और हमें करनी है अभी बात किसकी, हमारे एंड सेंटर वाली, एंड सेंटर। उसमें कितनी हुई, कॉर्नर्स पे तो है ये 8 प्रेजेंट, और कॉर्नर का होता है 1/8। साथ में कहां पर है, किसी भी दो ऑपोजिट फेस पर, तो एटम्स कितने हैं, 2। ठीक है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि फेस पर है ना, और फेस वाले तो हाफ होता है, इसलिए 2 × 1/2 = 2। ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 1, और ये भी कैंसिल होकर कितना हो गया, 1। तो 1 + 1 = 2। लास्ट हमारा बचता है ये हाइपोथेटिकल वाला, एज सेंटर, एज सेंटर। इसमें कितना होगा, पहले तो कॉर्नर्स पे है, 8 कॉर्नर्स पर है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। और साथ में कहां पर है, सेंटर ऑफ द एजेस, एजेस में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ऐसे करके 12। और यह कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, एज वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, आपको बताया था 1/4। क्योंकि जो ये वाली एज होगी वो क्या होगी, 4 यूनिट सेल से शेयर होगी, तो यहां पर इससे ऊपर और इस साइड पर, तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 4 × 1 = 4, 3 + 1 = 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे निकलते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल, और यही इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड की वैल्यू। अब डेंसिटी यूज कर, डेंसिटी निकालते टाइम या बाकी आप जो भी निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते टाइम आपको ये जेड की वैल्यू चाहिए होती है। जेड क्या होता है, जेड इज योर टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल, तो उसमें आपको ये वाली वैल्यूज यूज करनी पड़ती है। इसलिए बेटर होगा कि आप उनको याद कर लो, आपको बार बार कैलकुलेट ना करनी पड़े, वैसे तो इजी है कैलकुलेट करनी भी, बट क्या होता है, एससीसी का हमें पता होना चाहिए 1 होता है, बीसीसी के केस में 2 होता है, एफसीसी में 4, और बाकी इन ये ज्यादा कॉमन नहीं है, इनके बहुत ही कम पूछते हैं, तो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद करना भी इजी है ना। तो अभी इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी जो सेकेंड क्लासिफिकेशन होती है यूनिट सेल की, उसके हिसाब से हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।